जी, एक खबर आई है, एक दैनिक भास्कर इन पंजाब, तो उनमें शो कर रहे हैं ऑन द स्क्रीन. दिस इज पोस्टेड ऑन 6 फरवरी, राइट ऑन द डेट, लिखी है डेट. सो इस खबर से लिखा है कि अब कनाडा सरकार वर्क परमिट वीजा बेचेगा, शर्तें होंगी आसान, नई नीति 1 मार्च से. और दैनिक भास्कर की खबर है, मेरी खबर नहीं है बाय द वे. दिस इज इट्स रिटन हियर फरवरी 6th. कनाडा सरकार ने 1 मार्च से वर्क परमिट वीजा बेचने का प्लान बनाया, बाकी कुछ लिखा है. सो देयर इज अ कटिंग आल्सो हियर, समबडी सेंट फ्रॉम द न्यूज़पेपर कटिंग ऑन द फिजिकल पेपर. एक स्टूडेंट कनाडा में 7.48 लाख सालाना ही कमा पाता है, बाकी की राशि वह पंजाब से मंगवाता है. पढ़ाई समाप्त होने के बाद उसे पीआर मिलती है, तब पंजाब से राशि बढ़ना, बला बला, बहुत सारी चीजें लिखी हैं इसमें. यहाँ कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने कहा है कि हर वर्ष प्रवासी स्टूडेंट कनाडा में 3,000 करोड़ डॉलर का योगदान देता है, जिससे 60% पंजाबी का योगदान है, बला बला बला, इस तरह वर्क परमिट दी जाएगी. आई मीन आई डोंट नो हु इज राइटिंग ऑल दिस न्यूज. कनाडा सरकार की पोर्टल पे ऑनलाइन आवेदन देना होगा, और बड़ी छोटी नौकरी के हिसाब से फीस देनी होगी, जिससे पंजाबी को प्राथमिकता दी जाएगी. वाह भाई, हर शाह पंजाबी, माय गॉड, आई डोंट नो हु देयर इज अनदर आइटम हियर. ये अब वर्क परमिट वीजा बेचेगी कनाडा सरकार, शर्तें आसान, क्या बात है. पोर्टल पे देना होगा आवेदन, कनाडा सरकार के पोर्टल पे आवेदन देना होगा. क्वालिफिकेशन वे इंडिया के वर्क एक्सपीरियंस वे कनाडा के उस काम को देखकर, कामगारों की जरूरत को देखकर वीजा दिया जाएगा. मंजूर एप्लीकेशन पर फीस ली जाएगी, फीस 4 से 16 लाख रुपए तक की होगी. ये खबर यू नो आई डोंट नो हु दिस इज फ्रॉम दैनिक भास्कर बाय द वे, ऑलराइट, दिस इज नॉट माय न्यूज. सो समबडी सेंट मी, आई एम जस्ट शोइंग इट टू यू व्हाट इज कमिंग इन द न्यूज़पेपर. ऑलराइट, दिस इज, यू कैन गो टू द वेबसाइट एंड चेक इट आउट, dainikbhaskar.com. ऑलराइट, सो here it is, dainikbhaskar.com. So take a look and see what people are saying. All right, thank you very much.